आईपीएल 2024 अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा चुका है और अब आईपीएल 2024 के ग्रुप मैचों में सिर्फ 5 मुकाबले बाकी हैं। आईपीएल में अब तक राजस्थान और कोलकाता ये दोनों टीमों प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, लेकिन प्लेऑफ में अब भी 2 जगह बाकी हैं और इन 2 जगहों के लिए 4 टीमों में कड़ी टक्कर बनी हुई है। इन 4 टीमों में सबसे पहली टीम का नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी 2 मुकाबले जीतने होंगे और साथ ही लखनऊ की टीम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सीएसके या फिर हैदराबाद दोनों में से कोई भी एक टीम अपने बाकी बचे हुए मुकाबले हार जाए, तभी लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसके बाद में नंबर 2 टीम हैदराबाद की टीम। हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी 2 बचे हुए मुकाबले जीतने होंगे। अपने 2 मुकाबले जीतते ही हैदराबाद की टीम आसानी से प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इस दौड़ में नंबर 3 में बनी हुई है सीएसके की टीम। चेन्नई की टीम का आरसीबी के खिलाफ 18 नवंबर को एक मैच बाकी है। अगर चेन्नई की टीम यह मैच जीतती है तो चेन्नई की टीम भी आसानी से क्वालिफाई कर लेगी। इस दौड़ में नंबर 4 में बनी हुई है आरसीबी की टीम। आरसीबी की टीम को क्वालिफाई करने के लिए 18 नवंबर को सीएसके की टीम को हराना पड़ेगा। साथ ही आरसीबी टीम को रन रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आरसीबी टीम अगर सीएसके की टीम को 18 या उससे अधिक रन से हरा देती है, साथ ही अगर आरसीबी टीम को रनों का पीछा करना है तो रनों का पीछा आरसीबी टीम को 18 ओवर में ही करना होगा। तो सीएसके की टीम को हराने के बाद आरसीबी यही चाहेगी कि लखनऊ की टीम भी अपना एक मुकाबला हार जाए, जिससे आरसीबी टीम प्लेऑफ में आसानी से पहुंच सकती है। तो अब 100 बातों की एक बात यही है कि आरसीबी टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सीएसके की टीम को हराना होगा, यानी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में सीएसके या फिर आरसीबी दोनों में से एक ही टीम जा सकती है। तो यह खबर उन दर्शकों के लिए बहुत ही बुरी खबर है जो कि विराट कोहली और एमएस धोनी दोनों को पसंद करते हैं, और ये दोनों टीमें भी प्लेऑफ में तभी जा सकती हैं जब हैदराबाद अपने बाकी बचे हुए दोनों मुकाबले किसी तरह से हार जाएं। अगर हैदराबाद अपने बाकी बचे हुए मुकाबले नहीं हारती है तो सीएसके और आरसीबी इन दोनों में से एक ही टीम प्लेऑफ में जा सकती है। अगर चेन्नई की टीम 18 नवंबर को यह मैच जीत जाती है तो हमें धोनी की बैटिंग आने वाले कुछ 1-2 मैचों में और देखने को मिल सकती है, और अगर आरसीबी टीम चेन्नई को हराती है तो भी प्लेऑफ में धोनी के फैंस आरसीबी को सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आरसीबी यह मैच जीती है तो धोनी के फैंस ये समझेंगे कि यह माई भाई की तरफ से विराट कोहली को विदाई का गिफ्ट है, और कोई भी खिलाड़ी अपने अंतिम मुकाबले में खुद हार के अपने साथी खिलाड़ी को प्लेऑफ में पहुंचाता है तो उससे बढ़िया गिफ्ट उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर सीएसके की टीम यह मैच हारती है तो आरसीबी के लिए यह धोनी की ओर से सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे।